पतन से आई थी। आप यहाँ सुबह सब प्रश्न व्याख्या एक सबसे पहली तेज बौछार आगे भागो तब सितंबर के बाद सवेरा हुआ और खरगोश की आंखें जैसे लाल बराबर सवेरा सगत आया फूलों को पार करते हुए घंटी बजाए और जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने की बच्चों की झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए पतंग उड़ गई। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीजें उड़ सके दुनिया का सबसे पतला कागज उसमें उड़ सके बांस की पतली कमानी उड़ सके और शुरू हो सके सीढ़ियां किलकारियां और तितलियों की इतना नाजुक दुनिया। संदर्भ उपरोक्त काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोहण भाग दो से पतंग नामक पाठ से लिया गया है। के कवि श्री आलोक धन्य जी हैं। उपरोक्त काव्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन पर दो ऋतु के संधि काल में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का बाल गुणों में होने वाले प्रभाव से मनोगत चित्रण किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि तेज घनघोर वर्षा भादो मास बीतने के स्थान वर्षा ऋतु चली गई और तेज वर्षा के कारण फूलों पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ जिसे सूर्योदय काले और लाल चमकीले सूरज खरगोश की आंखें की तरह सुंदर और लाल दिखाई दे रहा है। स्वच्छ और चमकीले प्रकाशित वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिलें चलाते हुए आ रहे हैं। साइकिलें की घंटी और इशारे बच्चे अपने मित्रों की प्राकृतिक और आनंद लेते हुए निमंत्रण दे रहे हैं। शरद ऋतु के आगमन स्वच्छ चमकीले होता है जैसे कई कई मुलायम वस्तु ऐसे मुलायम आकाश बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तुएं पतंग की उड़ाने लिए अपने मित्रों को एकत्र करके पतले कागज और बांस की पतली लकड़ी से बनी इस पतंग को बच्चे सीटियां बजाते हुए और किलकारी करते हुए जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगे पतंगों को देखकर लगता है रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है।